हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। हमें क्वाड्रिलेटरल्स बनाने, इसमें हमें फोर पार्ट गिवन है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। क्वाड्रिलेटरल का नेम क्या दे रखा है? मोर, MORE, और ये सारे इसके मेजरमेंट्स दे रखे हैं। तो हम पहले इसकी एक रफ फिगर बना लेते हैं। तो इस तरह से बनाएंगे, नेम लिखना है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर M आया, ORE, बाकी सारे इसके मेजरमेंट्स लिख लेते हैं। मेजरमेंट में M, तो एंगल M कितना है? 60 डिग्री। O है 105 डिग्री। R है 105 डिग्री। MO है 6 सेंटीमीटर। OR है 4.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारी रफ फिगर रेडी हो गई है। अब देखो, हमें यहाँ पर ये एंगल्स बनाने हैं, तो उसके लिए हम पहले 15 का टेबल भी लिख लेते हैं। तो 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135 and last is 150। तो देखो, सबसे पहले हम MO बनाते हैं। कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैंने MO बना दिया 6 सेंटीमीटर। नेम लिखा MO और साथ में 6 सेंटीमीटर। M पर 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो मैंने आपको बता रखा है 60 डिग्री कैसे बनता है। अपने कंपास में इस तरह से आप थोड़ा सा इसको खोल लेना, मींस ये जो गैप है, थोड़ा सा गैप आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, ठीक है। अब M पे बनाना है, तो M से हम सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ठीक है, अब इसको बिना चेंज करे एक मार्क करो ऐसे, तो ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम इसको ज्वाइन कर देते हैं ऊपर की तरफ, इस तरह से बढ़ा दिया है, ठीक है। अब एंगल ओ है, एंगल ओ पर 105 डिग्री बनाना है। तो 105 डिग्री देखो किस किस के बीच में आ रहा है, 90 और 120 के बीच में। तो हमें पहले 90 बनाना पड़ेगा और फिर 120 बनाना पड़ेगा, उन दोनों के बीच में 105 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 90 कैसे बनेगा? यही आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिस्टेंस लेना कंपास में। ओ पे 105 बनाना है, तो पहले हम ऊपर 90 बनाएंगे। तो कैसे बनेगा? पहले, सबसे पहले हमने ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया है। एक आर्क यहाँ से, दूसरा आर्क इसी पे रख के यहाँ पर। अब एक आर्क इस वाले आर्क से जो कि 120 का है और ये 60 का है, तो एक आर्क यहाँ से। अब इस लाइन को ओ से मिला देंगे हम सीधी, तो यहाँ पर ये हमारा क्या बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 90 और 120 का मैंने आपको बता रखा है। ये जो सेकंड आर्क हमारा आता है, ये वाला, ये होता है हमारा 120 का। तो इसकी लाइन हमने बढ़ा दी है, ठीक है। तो अब ये एक लाइन हमारी 90 की रेडी हो गई है और एक 120 की। इसके बीच में 105 आ रहा है, ये 90 और 120 के बीच में। तो देखो, कितना भी डिस्टेंस आप ले लो अपने कंपास में, एक आर्क यहां से लगाओ 120 से, एक आर्क 90 से, 90 की ये वाली लाइन थी यहां से, ठीक है। तो अब ये जो हमारी यहां पर लाइन आएगी, ये वाली लाइन, ये कितने की है हमारी? 105 डिग्री वाली ये वाली लाइन है। अब ये देखो कितनी है, ये 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ स्केल से कंपास में 4.5 सेंटीमीटर की लाइन लेंगे हम इस तरह से, और ओ पे रख के मार्क करेंगे। तो ये हमने मार्क करा, तो ये हमारा कितना यहाँ पर आया है 4.5, और इसका नेम क्या लिख देंगे? आर, ठीक है। अब देखो, यहां पर हमारा आर आ गया है और इसका मेजरमेंट है 4.5 सेंटीमीटर। ये था हमारा 60 डिग्री, ये था हमारा 105 डिग्री। अब दोबारा से देखो, जो हमारा एंगल आ रहा है उस पर भी कितना एंगल बनाना है हमें? 105 डिग्री का। तो आप चाहते हो, ये अगर एक्स्ट्रा हल्की सी लाइन आ रही है तो इसको रफ कर देना। अब एंगल आर बनाएंगे 105 डिग्री, तो मीन्स की थोड़ा सा डिस्टेंस लेंगे, बिल्कुल सेम जैसे ओ पे 105 बनाया था, ऐसी आर पे 105 बनाएंगे। तो देखो, डिस्टेंस लिया, आर पे रख के सेमी सर्कल ड्रॉ करा, ये हमारा सेमी सर्कल बना। तो पहले 90 बनाएंगे, तो ये फर्स्ट आर्क 60 का, सेकंड आर्क 120 का।
अब एक आर्क यहां से लगाएंगे, दूसरा आर्क यहां से, ठीक है। तो ये हमारा 90 का बना है, ध्यान रखना। अब ये जो हमारा 90 बना है और इधर है ये हमारा 120, तो 90 और 120 के बीच में, तो मींस एक आर्क अभी यहां से लगेगा और एक आर्क यहां से लगेगा। कैसे? थोड़ा सा ये डिस्टेंस लिया, इसी डिस्टेंस से यहां से आर्क लगाएंगे, तो ये हमारा कितना बना, 105 डिग्री का। अब ये वाली लाइन से ये हमारा मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है, तो इसको हम और ज्यादा एक्सटेंड कर देंगे लाइक दिस, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट आया है इसका नेम रख देंगे हम ई, क्योंकि हमें अगर वो ये मेजरमेंट देते तो डायरेक्ट हम मार्क करते और आर को हम उससे मिला देते, लेकिन हमें ये वाली जो एम ई है इसका कोई मेजरमेंट नहीं था, तो हमें आर पे भी एंगल बनाना पड़ा है और हमने कितना एंगल बनाया है, 105 डिग्री। अब देखो आप डी से मेजर करना चाहते हो सारे ही एंगल्स को, तो डी से भी कर सकते हो। जैसे ये डी है हमारा, तो डी को कैसे यूज करेंगे ये भी आप देख लो। जो सेंटर होता है, जो भी एंगल मेजर करना है उस पे रखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको रखा इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमारी पेंसिल वाली लाइन किधर है, हमारी लाइन इधर है ना राइट साइड, तो राइट साइड से जीरो से पढ़ेंगे, तो देखो एग्जैक्ट कहाँ पे आ रहा है हमारा ये 60 डिग्री, जीरो से उधर पढ़ेंगे जहां पर हमारी पेंसिल वाली लाइन होगी। अब यहाँ पर 105 डिग्री चेक करेंगे, तो सेंटर को हम इस पे रखेंगे जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा ये बिल्कुल सेंटर पे आ गया। अब देखो सेंटर पे आने पर क्या है, इस तरह से लाइन इधर है, ठीक है, हमारी जो पेंसिल से कंस्ट्रक्ट की हुई लाइन है वो इधर है, इधर से जीरो से चलेंगे कहाँ रहा 105, ये रहा, और यहीं पे हमारे 105 डिग्री का एंगल है। सेम ऐसे ही आप आर पे चेक करना चाहते हो तो आर पे ऐसे चेक करो कि बिल्कुल सेंटर पे हमने अपने इसको रखा डी को, ये हमारा डी है, ये हमारा आ गया, ठीक है। लाइन इधर थी हमारी, इधर से पढ़ेंगे ये रहा, तो 100 और 110 के जस्ट बीच में आ रहा है, तो ये कितना एंगल हो गया हमारा 105 डिग्री। और नेम क्या लिख दिया इसका, एम ओ आर ई, क्योंकि हमें क्वेश्चन में एम ओ आर ई क्वाड्रिलेटरल का नेम दे रखा था। तो फ्रेंड्स ये हमारा फर्स्ट पार्ट फिनिश हुआ, नाउ स्टार्ट नेक्स्ट सेकंड पार्ट। ओके, ये हमारा सेकंड पार्ट है क्वाड्रिलेटरल पीएलएन प्लान, सारा मेजरमेंट दे रखा है, तो पहले हम इसकी एक रफ फिगर बना लेते हैं। देखो इस रफ फिगर का नेम लिख लेते हैं पी एल ए एन, PL कितना है 4 सेंटीमीटर, LA कितना है 6.5 सेंटीमीटर, P पर है 90 डिग्री, L नहीं है, A है 110 डिग्री एंड N है 85 डिग्री। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था अगर इस तरह से हमारे पास कोई भी बेस है तो हमें ये जरूरी है कि एंगल ये वाला पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप इसको ASP की प्रॉपर्टी लगा के पहले आप एंगल L की वैल्यू निकालोगे। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले इसमें एंगल L की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल PLAN एंगल P प्लस एंगल L प्लस एंगल A प्लस एंगल N इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी से, ASP की प्रॉपर्टी से। P कितना है 90, L हमें फाइंड करना है, क्योंकि अगर L नहीं होगा तो आप इस फिगर को नहीं बना पाओगे। A कितना है 110 डिग्री और N कितना है 85 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इनको ऐड करते हैं, 110 प्लस 90 200 और प्लस 85 कितना हो जाएगा 285 डिग्री प्लस एंगल L इज इक्वल टू 360 डिग्री। हम यहाँ से एंगल L निकालेंगे तो 360 डिग्री में से माइनस करेंगे 285 डिग्री, ये दूसरी साइड चला जाएगा, तो एंगल L कितना आ गया हमारे पास 75 डिग्री। तो इसको भी हम अपना यहाँ पर लिख लेते हैं कि एंगल L 75 डिग्री है। अब स्टार्ट करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें PL बना लेंगे 4 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पर पी एल ले लिए और लिख दिया है 4 सेंटीमीटर। पी पर 90 डिग्री बनाना है, 90 डिग्री मैंने आपको सिखा भी दिया है कैसे बनेगा, तो आपने इसमें कंपास में थोड़ा सा डिस्टेंस लेके और सेमी सर्कल आप ड्रॉ करोगे,
ये जो हम सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे बिना डिस्टेंस के चेंज किए, एक आर्क यहाँ से और दूसरा आर्क की 60 से, ये 120 का आया, तो अभी एक 120 से और एक 60 से दोनों आर्क लगा देंगे और इसको हम यहाँ पी पर ज्वाइन करा देंगे। ओके, तो ये हमारा कितना बना 90 डिग्री। अब यहाँ पर 75 डिग्री चाहिए, ये 15 के टेबल में आता है, तो हम थोड़ा 15 का भी टेबल लिख लेते हैं जिससे हमें ये पता लग जाएगी कि कहाँ कहाँ पर ये बनेगा। 60, 75, 90। तो देखो 75 किन दो एंगल्स के बीच में आ रहा है, 60 और 90 के, तो मींस हमें एल पर 90 डिग्री भी बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर भी सेमी सर्कल बना देते हैं एल पर, जस्ट लाइक दिस। ओके, एक आर्क यहां से, दूसरा आर्क यहां से, क्योंकि हम पहले 90 बनाएंगे, दूसरा आर्क यहां से और एक 60 से, तो ये हमारा 90 एंगल बना और ये वाला था हमारा 60। 90 और 60 के बीच में क्या आएगा, 75। तो एक आर्क यहां से लगा देंगे, एक आर्क यहां से, तो अब इसको L पर हम ज्वाइन करेंगे तो ये कितना बनेगा हमारा, 75 डिग्री बन गया है। अभी जो 75 डिग्री है इसका मेजरमेंट कितना दे रखा है, 6.5 सेंटीमीटर, तो हम अब अपने कंपास में 6.5 सेंटीमीटर ले लेंगे, ये हुआ। ओके, तो यहां से हम मार्क करेंगे 6.5 सेंटीमीटर पे, ये ठीक है। तो ये हमारा कितना हुआ, 6.5 सेंटीमीटर, और इसका नेम क्या लिख देंगे, ए, यहाँ पर साथ साथ लिख देंगे 6.5 सेंटीमीटर। अब देखो ए पे हमें कितना एंगल बनाना है, 110 डिग्री। तो अब ये देखो फ्रेंड्स कि हमें 110 डिग्री चेक करेंगे 15 के टेबल में आता है या नहीं, तो ये 15 के टेबल में नहीं आता है, तो हम इसको डायरेक्ट किससे बनाएंगे, डी से बनाएंगे। तो अब डी से बनाना भी देखते हैं कि जो इसका ये सेंटर है, सेंटर को ए पे रखेंगे क्योंकि हमें ए पे बनाना है, और बिल्कुल इस लाइन से ऐसे रखेंगे, ठीक है। अब इधर हमारी लाइन पेंसिल वाली इधर है, तो इधर से 105 देखेंगे, जीरो की साइड से कहाँ पे आ रहा है हमारा 105, यहाँ पर 100 के बाद यहाँ पर आ रहा है, तो इसको इधर की तरफ हम बढ़ा देंगे इस तरह से, ये हमारा इधर जाएगा, और हमारी जो नीचे वाली लाइन है इसको ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे, तो ये हमारा पॉइंट मिला। यहाँ से आप चाहो तो ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको रफ कर सकते हो। ओके, और यहाँ पर जो हमारा ये आया है पॉइंट, इसका नेम क्या रख देंगे, एन। ओके, अब यहाँ पर आप इसको मेजर करना, ये हमारा कितना आएगा, 85 डिग्री, यहाँ पर ये 110 डिग्री, ये 75 डिग्री और ये 90 डिग्री है, क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट। ये थर्ड पार्ट है, बनाना है हमें पैरेललोग्राम हियर, एच ई ए आर, ये सब मेजरमेंट है, तो सबसे पहले हम एक रफ फिगर बना लेते हैं, एच ई ए आर। एच ई कितना है, 5 सेंटीमीटर, ई ए कितना है, 6 सेंटीमीटर, आर है 85 डिग्री। तो देखो ये आर 85 है, तो ई भी कितना हो जाएगा, 85, कैसे हो जाएगा ये हमें लिख के दिखाना पड़ेगा। तो देखो एंगल ई भी किसके इक्वल हो गया, एंगल आर के, क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्योंकि हमें अगर एच ई बेस लेंगे तो एंगल एच और एंगल ई दोनों चाहिए, तो एंगल ई यहां से हमारे पास कितना आ गया, 85 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल एच। तो अब देखो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी पैरेललोग्राम में, जो ये लगातार के दो एंगल होते हैं, मींस एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं, इनका सम 180 होता है, तो कैसे लिखेंगे, एंगल एच प्लस एंगल ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन में क्या लिख देंगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। ओके, ये लिखना कंपलसरी है। तो यहां से एंगल एच भी फाइंड कर लेंगे, एंगल ई की वैल्यू 85 डिग्री इज इक्वल टू
180 डिग्री, तो एंगल एच कितना आ जाएगा, 85 डिग्री माइनस में आ जाएगा, तो एंगल एच आ गया हमारे पास 95 डिग्री। तो यहां पर इसको मेंशन कर लेते हैं अपने रफ फिगर में 95 डिग्री। अब इसका हम अपना डायग्राम बनाएंगे, तो वो बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एच ई बनाएंगे 5 सेंटीमीटर। तो मैंने यहां पर ये एच ई बना दिया है 5 सेंटीमीटर। अब देखो यहां पर एच पे 95 डिग्री है, ये हमारा 15 से डिवाइड कंप्लीटली नहीं होता है, तो इसको हम अपने डी से बनाएंगे डायरेक्टली। तो क्या करेंगे कि जो ये पॉइंट है, ये जो सेंटर है, इसको हम रखेंगे एच पर इस तरह से, ठीक है, इस पॉइंट पे रखा, और ये वाली जो लाइन है ये देखेंगे हम एग्जैक्टली कि इस वाली लाइन पर आनी चाहिए, जैसे कि देखो अब इस लाइन पे आ रही है बिल्कुल, ठीक है। पेंसिल की लाइन हमारी किधर है, इधर थी, तो इधर से ये जीरो पढ़ेंगे और देखेंगे कि 95 कहाँ आएगा, तो ये 90 है, 5 आगे, तो ये आएगा 95, ठीक है। तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे एच से, यहां पर लिख देंगे 95 डिग्री। अब ई पर 85 बनाना है, 85 भी हमारा 15 के टेबल में नहीं आता है, तो डायरेक्ट टी से बनाएंगे, तो इसको यहां पर रखा। अब पेंसिल की लाइन किधर है, इधर है, तो इधर की जीरो से हम रीड करेंगे 85 पे आएंगे, 85 कहाँ आएगा, 80 और 90 के बीच में यहां पर आएगा, तो इसको हम ई से ज्वाइन करा देंगे इस तरह से, ठीक है। अब देखो ये एच ई बन गया, एच का एंगल 95 और ई का एंगल 85 डिग्री। अब क्या कह रहे हैं कि यहां से जो हमारा ई है वो 6 सेंटीमीटर है, तो अपने कंपास में अब हम 6 सेंटीमीटर लेंगे और उसको मार्क करेंगे। तो कहाँ है, ये रहा 6 सेंटीमीटर हो गया, तो यहां से मेजर करके मार्क लगा दिया, और इस पॉइंट का नेम क्या हो जाएगा, ए, ओके। अब देखो ये 95 है, तो एंगल ए भी कितना होगा हमारे पास, 95 डिग्री, क्योंकि अब हमें यहाँ पर इसकी भी जरूरत पड़ेगी। अगर आप इसका यूज नहीं करना चाहते तो आप ऐसे देख सकते हो कि ये 6 सेंटीमीटर है, तो एच आर भी 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की इक्वल होती है। तो आप इसको यहाँ पर मेंशन करके दिखाओगे इस तरह से, क्योंकि हमें जरूरत पड़ रही है एच आर की, तो एच आर किसके इक्वल होगा, ईए के। इसके लिए रीजन क्या लिखेंगे हम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो एच आर कितना हो गया है, 6 सेंटीमीटर। तो सेम ऐसे ही जो हमारा यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है, उसी को ही हम यहाँ पर भी मार्क कर देंगे इस तरह से, ठीक है। इसको दोबारा लगा देते हैं हम मार्क को क्लियरली बिल्कुल, ओके। तो देखो इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, इस पॉइंट का नाम आर है, और अब क्या करेंगे हम, ए और आर को मिला देंगे, तो ये क्या बना हमारा, एच ई ए आर एक पैरेललोग्राम। तो यहां पर लिख देंगे 6 सेंटीमीटर, और ये भी कितना है, 6 सेंटीमीटर है, और ये वाला एंगल कितना है हमारा, 85 डिग्री। तो ये फिनिश हुआ। नाउ स्टार्ट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, पार्ट नंबर फोर्थ। फोर्थ पार्ट में हमें रेक्टेंगल बनाना है, उसका नेम है ओके, ओ के ए वाई, ये इसका मेजरमेंट दे रखा है। तो रेक्टेंगल के लिए हम एक रफ फिगर बनाएंगे, ये इसका नेम लिख लेते हैं ओके ए वाई, ठीक है। तो देखो ओके कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर, एंड के ए कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमारे पास कोई और मेजरमेंट नहीं है, बट हम जानते हैं कि जो रेक्टेंगल होता है उसके एंगल सारे ही कितने होते हैं, 90 डिग्री के, और अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, और ओके 7 सेंटीमीटर है, तो वाई ये भी कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। इसको हमें सॉल्यूशन में मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। ओके कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर, तो ये हमने बनाई है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। दोबारा ड्रॉ कर देते हैं इसको, डबल लाइंस हो गई हैं आपकी, डबल लाइंस या कहीं पर भी आर्क लगा रहे हो तो वो डबल आर्क्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो ये बनाया 7 सेंटीमीटर, ओके क्लियर है।
अब देखो क्या कह रहे हैं, ओ पर भी 90 डिग्री और के पर भी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री मैंने आपको बनाना भी सिखा रखा है। ओ पे रखेंगे हम अपने कंपास को, थोड़ा सा इसमें मेजरमेंट ले लेंगे अपने अकॉर्डिंग सेमी सर्कल बनाने के लिए, और ये कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब हमारा ये सेमी सर्कल बना है, तो एक आर्क हम यहाँ रख के लगाएंगे, दूसरा आर्क इसके ऊपर रख के लगाएंगे, यहीं से एक आर्क ऊपर और एक आर्क 120 से। अब इसको ऊपर हम ज्वाइन कर देंगे। सेम ऐसे ही के पर रखेंगे, सेमी सर्कल बनाएंगे, अब यहां पर रखेंगे कंपास को बिना डिस्टेंस चेंज किए, इसके ऊपर रखेंगे बिना डिस्टेंस चेंज किए आर्क लगाया। अब एक आर्क यहां से और एक आर्क यहां से, आप ध्यान रखना कि आपको डिस्टेंस चेंज नहीं करना है। अब इसको के से ज्वाइन करते हुए हम सीधा बना देंगे। अब देखो क्या है इसमें कि हमें यहां पर डिस्टेंस दे रखा है ओवाई का 5 सेंटीमीटर, तो यहां पर हम अपने स्केल में 5 सेंटीमीटर लेंगे। एक आर्क यहां से 5 सेंटीमीटर पे लगाया, ये सेम ऐसे यहां से 5 सेंटीमीटर पे एक आर्क लगाया और दोनों को ज्वाइन कर देंगे। नेम क्या लिखेंगे, ए, और इधर क्या नेम लिखेंगे, वाई। तो ये हमारा रेडी हुआ रेक्टेंगल ओके ए वाई ओके। तो ये हमारी एक्सरसाइज फिनिश हुई फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आई होगी। प्लीज शेयर योर क्वारीज एंड फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।